हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुधीर सर। आज हम कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं, बीच में हम एक ऐसे पॉइंट पे बात करने वाले हैं जो छात्र अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किए हैं, बिल्कुल शून्य से शुरू करना है और उनको शिखर तक पहुंचना है, तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जो बच्चे पढ़ाई शुरुआत कर दिए हैं, कुछ चैप्टर पढ़ चुके हैं, उनके लिए भी खास पॉइंट है। आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही सेशन इंपॉर्टेंट होगा, 10 से 12 मिनट का होगा। पूरा वीडियो देखिएगा और साथ में शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा, उन छात्रों तक पहुँचाइएगा जो अभी तक मैथ में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं है, यानी शुरुआत ही नहीं की है। तो क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें, कैसे पढ़ें, ताकि जो है एक पहली बात तो मन लगे पढ़ने में, ठीक है। डायरेक्ट आप जैसी किताब पढ़ाएंगे तो बड़ा अटपटा लगेगा, 3-4 महीने हो गया ना पढ़े हुए, तो एकदम से आप चाहें कि मैं आज 8-9 घंटे पढ़ लूँ तो ऐसा नहीं होता है। पहले दिन कुछ, दूसरे दिन थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करना पड़ेगा, क्लियर हुआ। तो जो छात्र अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े मेरे प्यार बच्चों, आज का हम जो वीडियो लाइक में टारगेट रखते हैं 500, ठीक है। देखते हैं कि 500 लाइक अगर पहुंचाते हैं तो मेरा जोश और हाई हो जाएगा और मैं बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जिस लाइक कमेंट्स का रेशियो बढ़ता है तो खुद का हौसला बढ़ता है, क्लियर है। कहना तो नहीं चाहिए कि लाइक करने के लिए, आप लाइक जो बच्चे खुद में दे देते हैं, वो आपके पढ़ाने और आपकी स्टाइल और आपके जो समझाने के तरीके पर बच्चे लाइक दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कहना पड़ता है क्योंकि आप भूल भी जाते हैं। अभी तक जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो मैं बता दूँ कि हमने 4 चैप्टर पढ़ाया, छोड़ दीजिए, आपको 4 चैप्टर छोड़ दिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम जैसे ही कैलकुलस शुरू करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पर 21-22, ठीक है, 22 तारीख से शुरू करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 22 तारीख से शुरू करेंगे कैलकुलस। हम पहले डेट फिक्स करते रहे हैं 22 तारीख को शाम को 8 PM, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको रहना है, उसी दिन आकलन शुरू करेंगे। बहुत धमाकेदार लेक्चर होगा। औकलन से अगर पढ़ना शुरू आप कर रहे हैं, औकलन और समाकलन टोटल 44 अंक होता है बच्चा, ठीक है, टोटल 44 अंक का आता है औकलन समाकलन। एक बार ऑडियो वीडियो हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी हैरानी तो नहीं है, बाद में बड़ा परेशानी होता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 44 अंक भी अगर आप तैयार करते हैं, बीच में जैसे स्मार्ट बोर्ड आता है, मैं पीछे का चैप्टर को कवर करता रहूंगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा। पहले मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट हम कवर करेंगे जो कि आपका 13 नंबर होगा। तो कम से कम ये जो 44 नंबर है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमने पहला दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो क्या पांचवा चैप्टर समझ में आएगा, छठवां चैप्टर आएगा, सातवां आएगा? अरे एकदम आएगा, ठीक है। पहले दूसरे तीसरे चौथे का कोई कनेक्शन नहीं है चैप्टर जो औकलन समाकलन में, कुछ है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फार्मूले की जरूरत पड़ेगी तो वो हम अलग से बता देंगे, ठीक है। तो कैलकुलस हम 22 तारीख से शुरू करेंगे, वहाँ से बाकी जो डिटरमिनेंट चल रहा है 2 दिन और चलेगा, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। फिर पूरे चैप्टर से हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे, तो 21 तारीख तक ये सारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ध्यान रहे कैलकुलस 22 तारीख को चलेगा, 22 जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई और 8 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। इतना बढ़िया कैलकुलस सिखा देंगे ना, पूरे जीवन भर नहीं भूलेगा, ठीक है। पूछ लीजिएगा 2021 बैच वाले बच्चों से, वीडियो लाइक टारगेट आप 500 है हमने रखा हुआ, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो कमेंट, हर एक बच्चे का कमेंट का जवाब देंगे, ठीक है। साथ में ये जो NCERT हमने लिखा है, देखिए एक चीज़ तो क्लियर है कि NCERT की बुक के हम हर एक सवाल को, चाहे वो एक्सरसाइज हो बच्चा, ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल, कई पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे, जो जो छात्र थोड़ा गणित में कमजोर है तो वो कैसे पढ़े, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर बच्चों का IQ लेवल अलग अलग है। ईश्वर ने ऐसी बुद्धि दी कि कुछ बच्चों को गणित बहुत अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को साहित्य अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को अदर सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। पर ये आपकी गलती होगी कि अगर आप प्रयास ना करें, कोशिश ना करें, तो ये आपकी गलती होगी। जो छात्र थोड़ा सा गणित में कमज़ोर है, कमज़ोर होने का मतलब ये नहीं कि कह रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा कम समझ में आता है, ठीक है। डेली क्लासेज 8 बजे आपको रहेगी, किस चैप्टर से शुरुआत करें ये भी हम डिस्कस करेंगे। जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं, जो कुछ पढ़ रहे हैं वो तो पढ़े ही पढ़े हैं, वो कंटिन्यू करें, उसमें दिक्कत नहीं है, क्लियर हुआ। शून्य से शिखर तक पहुँचाने का काम तो हम देखिए NCERT का है। एग्जाम्पल जितने भी सारे सवाल हैं, एग्जाम्पल एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे, साथ में बच्चा
एक्सरसाइज तो हम करवाएंगे ही करवाएंगे, एक्सरसाइज क्लियर हुआ, और साथ में विविध उदाहरण यानी मिसलेनियस एग्जाम्पल, विविध उदाहरण, ठीक है, विविध उदाहरण क्लियर हुआ, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्लियर हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2017, 2018, 2019, 2020 ये 4 साल का हम कराएंगे, वो भी चैप्टर वाइज, ठीक है, जैसे साड़ी पढ़ा रहे थे साड़ी के 4 साल के पेपर में जो आए हैं उसको करा देते हैं, तो ये पूरा आपको इसी में से सवाल फंस जाएगा, एक को क्वेश्चन इधर उधर नहीं भागेगा। हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो मैं वहाँ की गारंटी नहीं ले रहा हूँ, पर यूपी बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो मैं दावे के साथ ताल ठोक के कहता हूँ कि ये एक प्रश्न आने वाला है, ठीक है, इतना बड़ा आपको कोई रिस्क नहीं ले सकता है। तो कोई टीचर जो है 10 क्वेश्चन देगा कहेगा कि एक फंसेगा, मैं 2 क्वेश्चन देता हूँ और मैं कहता हूँ कि एक फंसेगा इसमें से, अगर आप वो नहीं तैयार करके जाएँ तब तुम आपकी गलती है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा सतर्क रहें। गणित में बहुत ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं, बड़ी परेशानी होती है, फिर बाद में वहीं कहीं NIOS से भरते हैं तो कभी ओपन यूनिवर्सिटी यहाँ वहाँ परेशान हो जाते हैं, रोते हैं बच्चे, ठीक है, सर हम फेल हो गए क्या करें, ठीक है, कंपार्टमेंट परीक्षा, कंपार्टमेंट पेपर और कठिन होता है, कंपार्टमेंट पेपर ओरिजिनल पेपर की तुलना में 2 गुना 3 गुना कठिन होता है, या आप पूछ लीजिएगा किसी भी साथ। दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट अक्सर पूछते रहते थे सर हम लोग टेस्ट कहाँ दें, जो चैप्टर्स हम तैयार कर चुके हैं उनका टेस्ट अगर हम देना चाहते हैं तो सर हम कहाँ दें, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए टेस्ट, जहाँ आप बिल्कुल फ्री में अपने सब्जेक्ट का टेस्ट देकर देख सकते हो कि आपका चैप्टर तैयार है या नहीं। जितने भी स्टूडेंट क्लास 9 से 12 तक के हैं वो हर शनिवार और रविवार को अपना टेस्ट दे सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया, आप जिस भी क्लास पे हो उस पर क्लिक करके जाओ और अपना टेस्ट देना शुरू करो। लेकिन आप जाओगे तो वहां से आपसे एक कोड मांगेगा, आप जैसे शुभम UP10 डालोगे, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा और आप सभी सब्जेक्ट का टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। तो आप जिस भी क्लास में हो मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक प्रोवाइड किया, उस पर क्लिक करके आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करो। ठीक है, तो ये बात हुई, काफी इंपॉर्टेंट था ये बात, तो थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो अगस्त में भी एग्जाम कुछ होने वाले हैं, हो सकता है ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, लेकिन उसके लिए भी कुछ ना कुछ चैप्टर आएंगे, आएंगे तो शुरुआत के ही आएंगे, संबंध फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, आप भी आ सकता है, साणिक आ सकता है, तो इन चैप्टरों को कम से कम हमने पढ़ा दिया है। अच्छा एक चीज़ है कि अपना आप जो आप अपने मोबाइल पे अपना एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट, ठीक है, आप हमारे जो वीडियोज़ हैं उस वीडियोज़ को आप अपने प्लेलिस्ट में बना सकते हैं, कि जब जैसे क्या है कि हर एक वीडियो को डाला करिए उसमें, ठीक है, प्लेलिस्ट ऐसे है जैसे कि आप कापी किताब को रखने के लिए अलमारी रखते हैं कि हाँ ये मैथ की किताब इस ऊपर वाले अलमारी पे होगा, बीच वाली अलमारी पे क्या है रसायन विज्ञान होगा, फिर उसके नीचे ऐसे किताबों को, तो प्लेलिस्ट भी है आप क्रिएट कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप वीडियो सर्च कर लीजिए कि हाउ टू क्रिएट प्लेलिस्ट आवर प्लेलिस्ट, तो वहाँ पर अपनी वीडियो हमारी वीडियो को आप अपने प्लेलिस्ट में रख सकते हैं, तो जब मन करे तब आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। सीक्वेंस वाइज चल रहा है जैसे साड़ी का लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, ताकि एक सीक्वेंस वाइज है, ठीक है, उसमें आप कन्फ्यूजन होंगे ना कि जैसे वीडियो 1 देखें तो उसके बाद सीधे चले एक 5वां, दूसरा तीसरा चौथा देखवा नहीं किए तो 5वां भी नहीं समझ में आएगा, तो आपको कहेंगे सर क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ पल्ले नहीं पढ़ रहा है, तो हर चीज़ का सिस्टम है ना, ठीक है, तो एग्ज़ाम जो पैटर्न हमारा चेंज हुआ है तो सतर्क रहिएगा, कम से कम पहला दूसरा चैप्टर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, या अगस्त में कुछ भी एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए थोड़ा सा स्कूल में पूछ लीजिएगा सर क्या आने वाला है, एग्ज़ाम ले लेंगे आप पढ़े चाहे ना पढ़े, ठीक है, ऐसा ही हो रहा है, सब भगवान भरोसे चल रहा है। किस चैप्टर से शुरुआत करें, जो छात्र अभी कुछ नहीं पढ़े हैं तो हम कहेंगे कैलकुलस से शुरुआत करें, अभी हम पढ़ाने वाले जो हैं कैलकुलस से, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा और आसानी चाहते हैं तो आप आबव्यू से शुरू करें, ठीक है, आबव्यू और साणिक, जो हम मान लीजिए पीछे से सारणी, एक मिनट देखिएगा, कैलकुलस
कैलकुलस हम पढ़ाएंगे, इसको देखना ही देखना है। आप भी वो साढ़े के भी वीडियोस आप देख सकते हैं अलग से, 3:30 बजे अनएकेडमी भी क्लास चलती है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं, ठीक है। लाइव रहेंगे, जल्दी स्मार्ट बोर्ड आने वाला है, काफ़ी हम लोग भी वेट करते करते थक गए हैं, पूरा सेटअप लगा चुके हैं, ठीक है, बस उसी का इंतज़ार है। तेरा इंतज़ार है, जिया बेकरार है, आजा मोरे स्मार्ट बोर्ड, तेरा इंतज़ार है। शाम को डेली 8 बजे एकदम, देखिए यूट्यूब पे आपको नोटिफिकेशन जाए चाहे ना, अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं तो इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको हमेशा नोटिफिकेशन जाए कि लो भैया 8 बजे सुधीर सर क्लास चल रही है। आप खुद एकदम रेडी रहिए कॉपी कलम किताब लेके, 2-3 घंटे पहले आप देख लिया करिए, उस वीडियो प्रीमियम हो जाता है, ठीक है। तो कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, इस बात की चिंता नहीं करनी है कि सुधीर सर सिलेबस ख़त्म कर पाएंगे कि नहीं, रिवीजन करा पाएंगे कि नहीं, पिछले 4 साल के पेपर सॉल्व करा पाएंगे कि नहीं। एक बीच में भौकाल सीरीज चलता है, लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज अलग चलती है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज अलग चलती है, तो सारा चीज़ है, ठीक है, पूरा एनालिसिस करके चीज़ों को आपको बताया जाता है, क्लियर हुआ। जो गणित में जो छात्र थोड़ा सा कमज़ोर हैं वो कैसे पढ़ाएं, उनका क्या कैसे शुरुआत करें, ठीक है, घबराते हैं बच्चे जो थोड़ा सा गणित में दिक्कत है उनको, क्लियर है। वीडियो को लाइक करना है ना, 500 से अब लाइक पहुंचाइए भाई, थोड़ा बच्चों को जोड़िए, इस वीडियो का स्टेटस लगाएं अपने अपने व्हाट्सएप पर, ठीक है, थोड़ा बच्चों को जोड़े, अच्छा लगेगा, भीड़ होगी, मज़ा आएगा पढ़ने में, अच्छा माहौल बनेगा, और बाकी हम तो किसी को कह ही सकते हैं, क्लियर हुआ। चलिए, जो छात्र कमजोर है तो वो जो है ना, जब भी कोई चैप्टर मान लीजिए आप भी शुरू कर रहे हैं, जैसे आप भी का कॉन्सेप्ट पहले ध्यान से देखें, जब भी आव्यूह का कॉन्सेप्ट हम बताया करें कि आव्यूह कैसे जोड़ते हैं, आव्यूह कैसे घटाते हैं, आव्यूह का कैसे गुणा करते हैं, वो पॉइंट ज़्यादा ध्यान से देखें। फिर उसके बाद क्या करें ना, जब ये सब समझ में आ जाए तो उदाहरण लगाएं, ठीक है, एक्सरसाइज पे मत जाएं, एक्सरसाइज पे ना जाएं, उदाहरण और विविध उदाहरण, क्लियर हुआ। तो कम से कम इतना वो करें, कॉन्सेप्ट समझने के बाद, फार्मूला समझने के बाद उदाहरण लगाना शुरू करें, फिर एक्सरसाइज तो हम कराते ही कराते हैं, क्लियर हुआ। तो ये चीज़ है, और उसी में क्या करिए कि अगर आप क्वेश्चन बनेंगे तो उसी से क्या करिए, और भी क्वेश्चन लगा लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, एक चैप्टर को धीरे धीरे अच्छे से तैयार करें, ठीक है। फार्मूले का क्या महत्व, फार्मूला तो हमारा जो गणित का जान है, सब कुछ जान पराने फार्मूले में बैठता है, बसता है, तो फार्मूले की एक 10 रुपये या 15 रुपये की कॉपी ले लीजिए, ठीक है। जैसे साढ़े में 4-5 प्रॉपर्टीज था कि हाँ, कि आप भी साढ़े में किसी रो या किसी कॉलम में अगर एलिमेंट 0-0 तो साढ़े का मान 0 हो जाता है, आप भी साढ़े में 2 रो या 2 कॉलम क्या हैं बराबर हैं तो साढ़े का मान 0 हो जाता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो कॉपी बना लें एक फार्मूले की, जो छात्र कमजोर है कम से कम ये सब काम करें तो धीरे 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 ना, अभी एक बार है, कम से कम हम आपको 5 बार रिवाइज कराएंगे, कितना बार बच्चा, 5 बार रिवीजन कराएंगे, ठीक है। देखिए पूछ लीजिएगा, जो बच्चे 2021 में पढ़े ना, इतना माहौल बन गया था, एक दिन में 200-300 बच्चे लाइव देखते थे, ठीक है, वीडियो ख़त्म होते होते 1000 लाइक, ठीक है, व्यू तो कहिए मत, तो अच्छा माहौल बन गया था, ठीक है, एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, नहीं तो आप देखते हैं। तो आई होप ये कुछ बातें जी जो बताना बहुत ज़रूरी था, स्ट्रेटजी जो है कि जो अभी तक छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं, कम से कम शुरू कर दें, श्री गणेश करें, पुराना अगरबत्ती जला के गणेश जी, अगर आप जिस भी भगवान की आप पूजा करते हो, ईश्वर अल्लाह खुदा किसी का भी, ठीक है, आप शुरुआत करें कि हे ईश्वर, मैं आज से शुरुआत कर रहा हूँ, मुझे इसी तरह से निरंतरता बनाए रखने की दया दृष्टि कृपा करना, ठीक है, आपका हम बहुत ज़्यादा आभारी होंगे, ठीक है। ये नहीं कि आज पढ़नी और 10 दिन बाद किताब उठाते, ठीक है, तो वो जीवन आज पढ़ लेवा वो बोला जाए, फिर 10 दिन बाद शुरू करवा तो वो के नया सिरे से शुरू करे पड़े, तो कॉन्टिन्यूटी इम्पॉर्टेंट है पढ़ाई में, वो भी खासकर गणित में, ठीक है। और जिनका गणित फेवरेट सब्जेक्ट है तो उसको कहना ही क्या, वो तो एकदम बवाल तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये रही कुछ बातें, पढ़ने से ज़्यादा रिविजन पर फोकस करेंगे हम लोग, पर अभी कुछ चैप्टर हो तो जाए, क्लियर हुआ। तो डेली आपको 8 बजे वीडियोज़ मिलती रहेंगी 12th क्लास का, इसमें आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कम होता है कि आपको क्लासेज ना मिले, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप टारगेट रखें 500 लाइक,
आज की वीडियो में देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं और मेरी बातें समझ में आई होंगी जो हम कहें हैं, तो करना क्या है, समझ में आ गई तो समझ में आ गई, ठीक है। कुछ फॉलो करेंगे बच्चों, कुछ नहीं फॉलो करेंगे, कुछ अपने मन से रहेंगे, जो अपने मन से रहेंगे वो परेशान रहते हैं, ठीक है। तो ये सब अनुभव के आधार पर कहा जाता है। तो कैलकुलस से आप शुरुआत कर सकते हैं जो छात्र अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़े, आप भी श्रेणी को थोड़ा सा 10-10 मिनट 20-20 मिनट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो उधर पीछे से भी सीख रहे हैं, संबंध फलन से मत शुरू करिएगा आप, नहीं तो आप गणित में छोड़ देंगे पढ़ना, क्लियर हुआ। तो आई होप मेरी बातें समझ में आई होंगी। कल मिलेंगे एक ज़बरदस्त लेक्चर के साथ, इनवर्स निकालना हम सिखाएंगे, सिखा चुके हैं और भी कुछ क्वेश्चन कराएंगे उसमें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।